जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत चरौदी में इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर सरपंचों द्वारा अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच ने करीब 100 से 150 लोगों से 1500 से 25,000 रुपए की वसूली की है। माल खरौदा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले इस ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना की बेहद जरूरत है, उसी को देखते हुए राशि सरपंच को दे दी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी आवास की स्वीकृति नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने जब अपनी राशि वापस मांगी तो सरपंच की ओर से ग्राम सभा में बोला गया कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए। ग्रामीणों ने बोला कि अगर हमारा पीएम आवास नहीं आ रहा है तो अब देर जो राशि आपको दी गई है उसे जल्द से जल्द वापस करें। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत चरौदी में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया है, और वहीं ग्रामवासियों का ये भी आरोप है कि बिना पैसे लिए आवास का निर्माण नहीं करने देता, ना तो पैसे निकलता है और ना ही आवास बनाता है, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है चरौदी पंचायत। आवास के लिए 2500 रुपए ले रही से, अभी तक ले आवास के कोई ये नहीं है, इसे सूची में नाम तक नहीं है, 1.5 साल हो गए करीबन, और जैसे लिया सूची में भेजबो तुरंत मिल जाए कह रही से, और बावजूद अभी भी 1.5 साल हो गए, अभी तक ला सूची में नाम तक एंट्री तक नहीं हो पाए हम, और अभी तक ले कोई पता नहीं है। और भी आपके जैसे गांव कई जन लेगा, कितना गांव में ना बहुत सारे जने के ले 100-150 के कम से कम, सब ले पैसा ले लेके, हाँ पैसा ले, काकरो अगर 5 भी ले काकरो, हाँ। और का चेक बाउंस के का बात करत है, चेक बाउंस दे रही से मतलब बोले तो मोला बाउंस वाला चेक 96 रुपये काटे रही से, और बावजूद भी मैं शिकायत कर यहाँ बोले ना तो सचिव मोला 4000 रुपया अपन दिन पंचायत तरफ से, और अभी तक यदि मिल जाए 8-15 दिन में कही, सो अभी तक 1 साल हो गए अभी तक नहीं मिली पैसा, आगे क्या करना चाहते हैं सर, कम से कम आगे आप मन के का कदम से कम से कम कर्मचारी अधिकारी के पास ये समस्या के हल होना चाहिए, एला पहुँचावा एला, हाँ एला उचित कार्यवाही करा।